नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यूकेपीएससी में हम उत्तराखंड स्पेशल को लेकर चलेंगे और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो अध्ययन की दृष्टि से उत्तराखंड के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि हम आसानी से इनके बारे में हम अध्ययन कर सके, स्टडी कर सके। तो सबसे पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक कालीन में हम जैसे जो भी पाषाण युगीन उपकरण है, या जैसे गुहा लेख है, जैसे गुफाओं पे आकृतियां बना दी गई थी, जैसे मानव आकृतियां या फिर किसी पशु पक्षियों की आकृतियां वहां पे बना दी गई थी, तो गुहालेख से जो चित्र गुहालेखों पे बने हुए हैं उनकी उनको देखकर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो मुख्य स्रोत है, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है वो है पाषाण युगीन उपकरण व गुहालेख। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, तो आज ऐतिहासिक काल में हम पुरातात्विक प्रमाण, यानी कि पुरातात्विक प्रमाण से मतलब है जो भी आपके भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं या फिर जितने भी जो स्टडी करते हैं वो पत्थरों को या गुफाओं पत्थरों को देख के या पहाड़ों को देख के जो उनपे आकृतियां हैं उनको कार्बन डेटिंग की हेल्प से या किसी और प्रक्रिया के थ्रू जो भी प्रमाण मिलते हैं उन्हें हम, या खुदाई के दौरान जो भी उपकरण मिलते हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम पुरातात्विक प्रमाण व साहित्यिक प्रमाण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल अभिलेख, जिसमें हम शिलालेख और लिखित जो भी स्रोत हैं उनके अंतर्गत हम इनको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में जो गुहालेख है, जो गुफाओं पे जो आकृतियां उस समय के लोगों ने बनाई होगी या किसी पशु पक्षी की या मानव की आकृतियां जब भी बनाई होंगी, तो गुफाओं पे या गुफाओं की दीवारों पे जो आकृतियां बनाई होगी, तो गुहा लेख के अंतर्गत हम पाषाणकालीन युग में हम सबसे पहले देखेंगे गुहालेख। तो गुहालेख में देखिए एक जगह है अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा में सबसे पहले लाखो उद्यार। तो लाखो उद्यार में की जो खोज है 1968 में डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में, और अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में लाखो उद्यार गुफा जो है वो मौजूद है। तो लाखो उद्यार गुफा कहाँ मौजूद है? अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में, जो सुयान नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सुयान नदी के तट पर। और इसमें जो प्राप्त शैलचित्र हैं वो क्या है? मानव के और पशुओं के शैलचित्र यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो गुफा है उस पे इस टाइप की आकृतियां जो हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, मानव और पशुओं की। ठीक, तो इतना देख लीजिए। अल्मोड़ा में लाखो उद्यार गुफा की खोज की गई है, जिसकी खोज जो है 1968 में डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की है, और अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सुयान नदी के तट पर स्थित है। और जो यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए वो किसके हुए हैं? मानव और पशुओं के। किसके शैलचित्र प्राप्त हुए? मानव और पशुओं के। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है फड़का नौली। ठीक है, तो फड़का नौली की जो डिस्कवरी है वो 1985 में यशोधर मटपाल ने की है। किसने की है? यशोधर मटपाल में। और यहाँ पे जो आकृति है वो तीन शैलाश्रय। ठीक है, तीन शैलाश्रय यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद तीसरे जो स्थान है वो अल्मोड़ा में ही पेटशाला, यहाँ पे 2 शैलाश्रय मिले हैं। फिर उसके बाद लुएथाप, यहाँ पे 3 शैलाश्रय मिले हैं। फिर अल्मोड़ा में फलसीमा में, यहाँ पे योग मुद्रा में और नित्य करती हुई मुद्रा में आपको आकृतियां मिली है। कहाँ से? फलसीमा में। तो योग मुद्रा में और नित्य मुद्रा में मानव की आकृतियां यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, फलसीमा से। तो ये उसके बाद आता है कसार देवी। तो कसार देवी अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पे कश्यप पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पे? कश्यप पहाड़ी पे।
और यहाँ पे जो आपको आकृतियां मिली हैं वो 14 नृतकों का सुंदर चित्रण, ठीक है, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले अल्मोड़ा में लाखोद्यार, ठीक है, लाखोद्यार की खोज किसने की थी, आपके महेश्वर प्रसाद जोशी ने। उसके बाद लाखोद्यार जो है वो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाखोद्यार गुफा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आपका फड़का नौली, पेटसाला, लुएथा, फलसीमा और कसार देवी, ये सारे अभिलेख कहाँ से हमें मिले हैं, सारे जो गुफा है, गुहा चित्र है, वो अल्मोड़ा से हमें मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा से, ठीक है, इतना देख लीजिए। इसके बाद आते हैं गुहा चित्र में दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सॉरी दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, चमोली। तो चमोली देखिए, चमोली में ग्वारख्या उद्यान यहाँ पे 41 आकृतियां मिली हैं, ठीक है, कितनी आकृतियां मिली हैं, 41 आकृतियां मिली हैं, कहाँ, ग्वारख्या उद्यान में। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी, राकेश भट्ट ने की थी, अलकनंदा घाटी के पिंडर नदी के किनारे और डुगरी गांव कहाँ, चमोली में, ठीक है। तो ग्वारख्या जो ग्वारख्या उद्यान है वो कहाँ से डिस्कवरी की गई है, इसकी चमोली से। और यहाँ पे 41 आकृतियां किसने की है, राकेश भट्ट ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिमनी गांव, सफेद रंग के चित्रित हथियार वो पशुओं के शैल चित्र, ठीक है, सफेद रंग के चित्रित हथियार वो पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किमनी गांव से, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जो है हुडली यहाँ नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए हैं, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तरकाशी हुडली से, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका, इससे पहले हम प्रागैतिहासिक काल देखा और इसमें हमने अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी के गुहा अभिलेख देखे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पुरातात्विक प्रमाण और साहित्यिक प्रमाण को लेते हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण में आप देखिए उखल सदृश गड्ढे का मतलब ये है कप मार्क्स, ठीक है। कप मार्क्स क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों में जब हम कभी जाते हैं तो वहां पे धान कूटने का एक पत्थर का कुछ गोल सी आकृति बनी होती है जिसमें धान को कूटते हैं, तो उसे उखल सदृश गड्ढे कहते हैं, जिसे कप मार्क कहते हैं। हेमवुड ने 1856 में देवीधुरा में सबसे पहले कप मार्क्स की खोज की थी, किसने, हेमवुड में, किसका, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में सबसे पहले जो है कप मार्क्स की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आता है ताम्र उपकरण, तो ताम्र उपकरण जो है वो 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। उसके बाद 1989 में वनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्र के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 1986 में अल्मोड़ा में कितने ताम्र पत्र के उपकरण प्राप्त हुए हैं, एक, और 1989 में वनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्र के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद महापाषाणी सवधान, महापाषाणी सवधान का मतलब है कि वो जगह जहाँ पे सब कुछ सुरक्षित रखा जाता था, तो एक डॉक्टर शिव प्रसाद डबरवाल ने 1956 में चमोली के मलारी गांव में सबसे पहले महापाषाणी सवधान की डिस्कवरी की थी। और जो प्रथम सर्वेक्षण हुआ था यही मलारी में 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, तो इसमें जो है मानव अस्थि के अवशेष और लौह उपकरण और एक पशु कंकाल मिला है, ठीक है। सवधान में सबसे पहले मानव आकृति के अवशेष, लौह उपकरण और एक पशु कंकाल यहाँ से मिला है। और द्वितीय सर्वेक्षण जब किया गया 2001 से 2002 में, तो यहाँ पे मलारी गांव से कंकाल के अलावा, मानव कंकाल के अलावा 5.2 केजी का स्वर्ण मुखौटा जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, मलारी गांव से, ठीक है। तो पुरातात्विक प्रमाण में सबसे पहले हमें कप मार्क्स यानी कि उखल सदृश जो गड्ढे हैं उनसे पता चलता है, और उसके बाद हमारा है महापाषाणी जो सावधान है उससे, ठीक है, इतना देख लीजिए।
आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।